हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। जिला की सुंदरनगर उपमंडल के डडोर के गांव यूरा में गौ माता से भरी दो गाड़ियों को पकड़ा गया है। इन गौओं को श्रीनगर ले जाया जा रहा था। युवक शक्ति ठाकुर ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि डडोर के गांव यूरा में गौ माता को गाड़ियों में भरा जा रहा है और श्रीनगर ले जाया जाएगा। दोपहर 3 बजे से इन गाड़ियों के पीछे लगे थे। शाम को 9 बजे दो गाड़ियों को स्थानीय युवकों ने नाका लगाकर पकड़ा। गाड़ियों में 18 गोवंश थे जिनमें बैल और गायें शामिल थी। जिन गाड़ियों में गोवंश को ले जाया जा रहा था वो गाड़ियां स्थानीय लोगों की ही हैं। युवक ने बताया कि दो गौ तस्कर मौके से फरार हो गए जबकि तीसरे को मौके पर पकड़ा गया था लेकिन उसे भी गांव वालों ने भगा दिया। उन्होंने कहा कि गांव वाले एकजुट हो गए और 5 युवकों की उनके आगे नहीं चली। युवकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए गोवंश को बचा लिया गया। युवक ने बताया कि गायों को रखने के लिए गौशाला फोन किया गया लेकिन वहां पर्याप्त जगह न होने के चलते गोवंश को खड्ड के किनारे छोड़ा गया। युवक ने कहा कि हिंदू होकर लोग गो तस्कर में लगे हुए हैं, पैसों के लिए अपने धर्म को बेच रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाइयों, कल हम मंडी गए थे, अपने घर से घूमते फिरते हुए गए थे मंडी और वहाँ डडौर में, सुंदरनगर डडौर में गग्गर के पास से हमें गुप्त सूचना मिली कि ऐसे ऐसे भाई यहाँ से गौ तस्कर गाड़ियाँ भर रहे हैं गौ माता की और यहाँ से श्रीनगर के लिए ले जा रहे हैं उनको काटने के लिए। और इस सूचना के आधार पे हमने वहाँ पे नाका लगा दिया जी, और अपने टीम जितने भी थे और लोकल वहाँ के जितने भाई थे हमने उनको कॉन्टैक्ट किया और 3 बजे से हम उनके पीछे लगे थे। दोपहर 3 बजे को हम उनके पीछे लगे थे और शाम को 9:30 बजे उनको हमने अपने कब्जे में लिया। दो गाड़ियाँ ट्रक की पकड़ी, उनमें 18 गोबर्स थे और 10 बैल थे, 10 की 12 बैल थे और 6-7 गाय थी और गाड़ी भाई लोकल थी, दोनों गाड़ी लोकल थी। और जैसा कि 3 बंदे थे वो गौ तस्कर, दो बंदे मौके से फरार हो गए, एक हमारे हाथ हमें आया, वो भी बाद में वही गांव के लोगों ने उसको भगा दिया क्योंकि वहां पे गांव वाले सारे एक तरफ हो गए थे और हम सिर्फ 4-5 बंदे थे। हमने क्या करना था भाई, 4-5 बंदों ने, आप खुद सोचो जब पूरा गाँव एक साथ इकट्ठा हो गया, तब भी हमने कैसे ना कैसे करके वहाँ पे पुलिस प्रशासन को बुलाया और वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और हमने उनकी गाड़ियों को बॉन्ड करवा दिया गया और जो गौ तस्कर उनको उनके ऊपर भी कार्रवाई चली हुई है। और ऐसे ऐसे सूचना मिलने पर हम वहाँ मौके पे पहुँचे और हमने जितने भी गौवंश थे उन सभी को बचा लिया। बता दी कि गौ तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, सजा का प्रावधान भी है, फिर भी बेखौफ गौ तस्कर गोवंश को काटने के लिए बूचड़ खाने ले जा रही हैं। हैरानी की बात ये है कि हिमाचल प्रदेश भी गौ तस्करी से अछूता नहीं रहा है। पहले भी भलय थाने के अंतर्गत ही गौ तस्करी करते हुए गाड़ियां पकड़ी गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।